Rectifier qué output. Rectifier की output में एसी रिपल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी आई है हाई है आसानी से कैपेसिटर से होते हुए ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में चली जाए। रेक्टिफायर के आउटपुट में प्राप्त एसी रिपल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई है आसानी से कैपेसिटर से होते हुए ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में चली जाती है। ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में चली जाती है। इसको फिगर को दोबारा बनाना पड़ेगा, फिगर से ही समझ में आएगा। रेक्टिफायर एसी इनपुट कैपेसिटर पैरेलल में कैपेसिटर एंड आपका ये आपका लोड कैपेसिटर फिल्टर और ये आपका आर। अब आप देखिए जितने भी रेक्टिफिकेशन से आपका भी मैंने बताया अभी आपको कि अगर एसी है तो एसी तो आपका पास हो जाएगा और जो डीसी है उसे क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। यहाँ से रेक्टिफिकेशन से जितने भी आपके क्या होंगे एसी के कंपोनेंट होंगे वो एसी के कंपोनेंट पास होते हुए सेकेंडरी में वापस चले जाएंगे और जो आपके डीसी के कंपोनेंट है वो आपको कहाँ मिलेंगे, डीसी के कंपोनेंट यहाँ से पास होते हुए आपके लोड पर आपको मिल जाएंगे। इस तरह आपको एक प्योर डीसी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यही होता है पैरेलल में कैपेसिटर लगाने से, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है। अब उसके बाद देख लेते हैं इंडक्टर फील्ड।
इंडक्टर, इसके बाद इंडक्टर फिल्टर, आपका एलसी फिल्टर, ब्रेडर फिल्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड। ठीक है भाई, इसको दोबारा बात कर लेते हैं। देखिए आपने यहां से क्या किया है, एसी को क्या किया है, एसी इनपुट दिया है, उसके बाद रेक्टिफिकेशन हुआ, रेक्टिफिकेशन से आपके एसी और डीसी के कंपोनेंट दोनों आपके रेक्टिफिकेशन के बाद है, एसी के कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, पास होने के बाद सेकंड जेन चले जाते हैं। उसके बाद जितने भी आपके डीसी कंपोनेंट हो, डीसी कंपोनेंट आपके लोड रेजिस्टेंस में मिलते हैं, जो हमारी प्योर डीसी होती है। ठीक है, तो प्योर डीसी इस तरह हमें किसमें, ये आपका कौन सा फिल्टर है, शंट कैपेसिटर फिल्टर, शंट कैपेसिटर फिल्टर। ठीक है भाई, शंट कैपेसिटर फिल्टर है, इसका पूरा का पूरा वर्किंग आपको समझाया गया है। ये कम कॉस्ट में आपको रिलायबल आउटपुट देता है और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी अच्छी नहीं होती, एफिशिएंसी कम होती है, लेकिन आप इसे आसानी से अपने रेक्टिफायर में लगाकर डीसी आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप रेक्टिफिकेशन करें, रेक्टिफिकेशन के साथ कैपेसिटर फिल्टर को यूज करें, कैपेसिटर आपका हमेशा लगेगा, इसलिए शंट में लगेगा। ठीक है, सीरीज में नहीं, शंट कैपेसिटर आपके लोड के पैरेलल में लगाना पड़ेगा आपको, लोड के पैरेलल में जैसे ही आप लगाएंगे इसको तो ये आपको एक बेहतर सही आउटपुट देगा, प्योर डीसी आपको मिल जाएगा।
इंडक्टर, क्या है आपका, इसको भी आप देख लीजिए। ये आपका फिल्टर का प्रयोग के लोड में सीरीज में लगा दिया जाए तो ये ना आउटपुट की फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है। अब फ्रीक्वेंसी को कैसे कम करता है उसको देखिए आप, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग क्या क्या है आपकी, देखिए फर्स्ट में क्या है आप बात करिएगा, जैसे वहां पर आपका इंडक्टर का रिएक्टेंस, इंडक्टर का रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल टू पाई एफ, ठीक है। डीसी फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी जीरो होती है डीसी की, जैसे आप इसको जीरो करेंगे तो एक्सएल इक्वल टू ये आपका जीरो आ जाएगा, और रिएक्टेंस आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब डीसी इसमें आसानी से प्रवाहित हो जाएगा। तो डीसी है इसकी जो वो उसका उल्टा है सीधा, कैपेसिटर फिल्टर का उल्टा है सीधे सीधे। अब इसमें देखिए डीसी आपकी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, और एसी आपकी क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी। अब इसको देखिए जब हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ब्लॉक होगी, तो इसलिए पहले हमेशा तो आप देखिए जैसे ही आपने इसको एसी एसी इनपुट दिया है आपने, उसके बाद रेक्टिफिकेशन हुआ है, रेक्टिफिकेशन होने के बाद अब देखिए जैसे डीसी क्या है, डीसी आपका पास होकर ये आपका बी आउटपुट पे आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, आउटपुट मिल जाएगा। अब जो एसी के कंपोनेंट है वो एसी के कंपोनेंट क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा, एसी के कंपोनेंट फिर आपके सेकेंडरी में चले जाएंगे। तो वही सेम प्रिंसिपल है जो आपका कैपेसिटर फिल्टर का था, बट यहाँ पर आपका इसको हमने उसको हमने क्या करा था, शंट में कनेक्ट किया था, इसको हमने सीरीज में किया, ठीक है। तो जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये आपका डीसी को कितने करेगा, डीसी के जितने भी कंपोनेंट होंगे उसको पास करेगा और बी आउटपुट पे आपको देगा, और एसी के कंपोनेंट जितने भी होंगे वो आपके रिवर्स आपके सेकेंडरी में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बेहद ही सिंपल टॉपिक है। अब उसके बाद हम थर्ड उसकी बात करते हैं, इसमें इतना खासा कुछ है नहीं, इंडक्टर फिल्टर है, और उसके बाद हम बात करेंगे आपका एलसी फिल्टर, ठीक है भैया। तो एलसी फिल्टर देखिए आप,
एल सेक्शन फिल्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है। इंडक्टर एंड कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को देखिए, आपका ये बनता है आपका ए ये आपने इसको ग्राउंड किया है ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। ये आपका एल, ये आपका सी। एल सेक्शन फिल्टर, ये आपका क्या रहता है, एल सेक्शन फिल्टर। ये फिगर ए, फिगर बी पाई सेक्शन फिल्टर, यहां पर आपके दो कैपेसिटर, इनको ग्राउंडेड किया गया है, ठीक है। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एल सी सी, इसको कहा गया, क्या गया, कहा गया है पाई सेक्शन फिल्टर। उसके बाद आपका टी फिल्टर, टी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और ये कैपेसिटर आपका मिडिल ग्राउंड किया गया है। ये आपका टी सेक्शन फिल्टर। तो ये आपका एलजी फिल्टर है। एलजी फिल्टर से क्या कॉम्बिनेशन किया गया है, सीरीज और पैरेलल का, जो कुछ फिल्टरिंग में कुछ कमियां रह जाती थी आपको, फिल्टर करने के बाद भी आपको एसी कंपोनेंट अगर मिलते हैं तो आप इन एलसी फिल्टर को एल सेक्शन फिल्टर, पाई सेक्शन फिल्टर एंड टी सेक्शन फिल्टर से उन एसी कंपोनेंट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एलसी फिल्टर। एलसी फिल्टर के बाद अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा ब्रीडर फिल्टर की, तो बात करेंगे, अब बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड्स। Different types of diodes, ये हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट टाइम।